हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए थोड़ा टाइम और मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि हमारे देश की जो सबसे बड़े चार बैंक हैं उनमें किस प्राइस पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या अभी आपको लगता है कि सारे बैंक 25 से 30% नीचे गिर गए हैं तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या, तो अभी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करिए। इसलिए आप मेरी प्रीवियस की जितनी भी वीडियो देखेंगे पिछले एक हफ्ते दो हफ्ते की, तो उसमें बैंकिंग सेक्टर के कोई भी स्टॉक मैंने नहीं लिया है, ना तो मैंने अभी तक जो मेरी इन्वेस्टमेंट अभी मैंने किया है जो 8,000 के लेवल पे, 7,500 के लेवल पे, 8,500 के लेवल पे भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और 9,000 के लेवल पे भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसमें तो कोई भी अभी बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक नहीं है। वो क्यों नहीं है इसके लिए मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा, और किस प्राइस पे कौन सा स्टॉक आपको लेना है वो भी मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी किस बैंक में आपको एंट्री नहीं करना है, चलिए हम लोग उसकी बात करते हैं। जो हमारे देश के सबसे बड़े चार बैंक हैं हम लोग उसकी बात करेंगे और देखेंगे इसमें कि अभी उसमें एंट्री लेवल है या नहीं है। आप लोगों ने अगर हमारी आज की इससे पहले वाली वीडियो, अगर जो बैंक निफ्टी के ऊपर बनाया था मैंने, उसको आपने देखा होगा, तो वहाँ पर अभी भी मुझे लगभग 1500-1600 पॉइंट का नीचे की तरफ का मूवमेंट अभी बाकी है, उसमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि बैंक निफ्टी अगर 1400-1500 पॉइंट अगर गिरेगी तो ये सारे बैंकिंग सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं ये लोग भी गिरेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर के जो सबसे बड़े बड़े चार बैंक हैं वही लोग हैं। अगर बैंक निफ्टी नीचे जाती है तो ज़रूर ये सारे स्टॉक नीचे की तरफ जाएंगे, या ये चारों स्टॉक नीचे जाते हैं तो बैंक निफ्टी को ज़रूर नीचे लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सिस बैंक की बात करने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक्सिस बैंक का चार्ट खोला है और इसके रिटर्न अगर हम लोग देखते हैं थोड़ा शॉर्ट टाइम में, तो अगर एक वीक का रिटर्न देखते हैं तो 15% का नेगेटिव रिटर्न दिया है इसने वन वीक के अंदर, और वन मंथ का रिटर्न देखते हैं तो यहाँ 48% के नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये स्टॉक लगभग 50% यहाँ से करेक्ट हो चुका है, और एक साल का रिटर्न हम लोग देखते हैं तो 51% नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो अभी आधे रेट पे ये मिल रहा है, तो ऐसा मत सोचिए कि आधे रेट पे मिल रहा है तो हम लोग इसको एंट्री कर लें क्या अभी, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। और 5 साल का रिटर्न आप देखते हैं तो 34% के नेगेटिव रिटर्न है। अगर मैक्सिमम हम लोग रिटर्न इसका देखते हैं, ये रिटर्न हमें दिख रहा है लगभग सन 2000 से ये स्टॉक ने 7,699% के रिटर्न हमें दिए हैं, और ये लार्ज कैप है और मार्केट कैप है इसका 101,509 करोड़ का, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो अभी रेड में दिखा रही है, मतलब कि जब ये इंट्रिंसिक वैल्यू जब ग्रीन हो जाएगा तब हम इसमें एंट्री करेंगे। तो अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी आप जाइए, वहाँ पर 1500 से 2000 पॉइंट का अभी नीचे का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, चार्ट जो बोल रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर चार्ट वहाँ से नीचे बोल रहा है कि 1500-2000 पॉइंट का नीचे हमें मिल रहा है तो ये सारे स्टॉक और गिरेंगे। ऐसा मत सोचिए कि भाई एक्सिस बैंक बहुत सारा गिरा था उसके बाद 10-10-15% का मूवमेंट दिया अपसाइड में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये स्टॉक और गिरेंगे और आप लोग इसमें थोड़ा सा वेट करिए। देखिए यहाँ पर 82% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इसमें आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू अभी रेड कलर में है तो हम लोग इसका इंतज़ार करेंगे। और इसका हम लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल रिजल्ट अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर इसकी जो ग्रोथ है रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ते क्रम में है, अभी इनकी रेवेन्यू भी बढ़ रही है, ग्रोथ भी बढ़ रही है कंटिन्यू, तो कोई टेंशन नहीं है, बैंक अच्छे हैं और निफ्टी 50 के टॉप 10 में आता है ये बैंक, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरे बैंक की बात करते हैं कि हमारा दूसरा वाला बैंक कौन सा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा बैंक जो हमारा है वो कोटक महिंद्रा बैंक है, और ये भी लार्ज कैप का बैंक है, इसका मार्केट कैप है 2,68,087 करोड़ का, ठीक है। ये लार्ज कैप का कंपनी है और निफ्टी 50 में भी ये भी बैंक टॉप 10 में आता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि वन डे में इसका रिटर्न है 7.53% के नेगेटिव रिटर्न दिया है, अगर वन वीक का बात करते हैं हम लोग तो 10% के इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, वन मंथ की अगर बात करते हैं हम लोग तो 14% के इसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, और पिछले एक साल की बात करते हैं तो 3% के इसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। अगर 5 साल का हम लोग बात करते हैं तो देखिए 97% का रिटर्न हमें इसने दिया है, जबकि मार्केट यहाँ से 40% क्रैश हो चुकी है, उसके बाद भी ये स्टॉक ने हमें पिछले 5 साल में हमारे पैसे को डबल कर दिया है। और सन 2000 से हम लोग इसका रिटर्न देखते हैं तो 17,275% के इसने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, तो बैंक काफ़ी अच्छा है, शानदार है। लेकिन इसकी भी देखिए यहाँ पर नेचर जो रेड कलर का दिख रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू ये भी अभी रेड कलर में दिखा रही है, तो यहाँ से ये बैंक भी और नीचे की तरफ आपको मिल सकता है। और यहाँ पर देखिए 51% जो एनालिस्ट हैं वो बोल रहे हैं आपको कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास अच्छा टाइम है, यहाँ पर ऐसा 51% मतलब 50-50 का रेशियो है, 50% लोग बोल रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी करेक्ट प्राइस है और 50% बोल रहे हैं कि इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करने का करेक्ट प्राइस नहीं है। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू देखकर हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करने का
टाइम नहीं है, अगर बैंक निफ्टी का चार्ट आप रीड कर सकते हैं तो वहाँ पर जाकर देख लीजिए कि बैंक निफ्टी अभी वहाँ से गिरने के लिए बोल रही है। और हम लोग इसका थोड़ा सा फाइनेंशियल रिजल्ट देख लेते हैं, तो इसका रेवेन्यू भी देखिए कंटिन्यू ग्रो कर रही है और इसका प्रॉफिट भी देखिए कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। अगर मैं रेवेन्यू की बात करता हूँ तो देखिए सन 2016 में इसका 28,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, सन 2017 में इसका 34,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, 2018 में इसका 38,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था और 2019 में इसका रेवेन्यू हुआ था 45,000 करोड़ का। अगर इसके हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2016 में 3,500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और 2017 में इसका 4,900 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ था और 2018 में 6,200 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ था और 2019 में 7,200 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस तरीके से बढ़ रहा है और इसका प्रॉफिट भी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, अच्छी ग्रोथ के साथ यहाँ पर बढ़ते क्रम में है। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों अच्छी तरीके से इसके ग्रो कर रहे हैं, बस प्रॉब्लम यही है कि अभी ये इंट्रिंसिक वैल्यू पे नहीं है, यहाँ से इसमें और गिरावट की संभावना है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा वेट करिए। और तीसरे स्टॉक की बात हम लोग करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ICICI बैंक है, निफ्टी 50 में भी जो टॉप 10 की कंपनी आती है उसमें से ये स्टॉक है। इसकी मार्केट कैप अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 219,961 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि एक लार्ज कैप है। और लार्ज कैप और मिड कैप स्मॉल कैप किसको कहते हैं, आप जाकर हमारी कल या परसों वाली मैंने वीडियो डाली थी उसको देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा डेफिनेशन करके अच्छी तरीके से समझाया हूँ कि कितने हज़ार करोड़ की कंपनी होती है तो वो लार्ज कैप होती है, कितने हज़ार करोड़ की कंपनी होती है वो मिड कैप और स्मॉल कैप, सबका क्राइटेरिया क्या क्या है, कैसे आप पहचाने कि कोई भी स्टॉक मिड कैप है या स्मॉल कैप है या लार्ज कैप है। ठीक है, और अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों तो ट्राई करिए कि लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट करिए और थोड़ा बहुत अपने पैसे को मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करिए, तो सेफ्टी आपकी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी, रिटर्न भले थोड़ा सा कम मिलेगा। और दोस्तों अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं हमारे अंडर में तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ता हूँ, जहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग की कॉल प्लस मारुति रिलायंस इन सब का हम लोग इंट्राडे में कॉल देते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो अकाउंट ओपन करके मुझे क्लाइंट आईडी व्हाट्सअप करिए, अकाउंट मोबाइल नंबर भी मेरा दिया गया है नीचे। ठीक है, तो अब हम लोग ICICI बैंक की बात करते हैं, तो वन वीक का अगर हम लोग रिटर्न देखते हैं तो 2.23% के नेगेटिव रिटर्न दिया है और पिछले वन मंथ की बात करते हैं तो 33% के इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, और पिछले एक साल की बात करते हैं तो 21% के इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है और पिछले पाँच साल की बात करते हैं तो 8% के इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया। अगर मैक्सिमम प्रॉफिट की हम लोग बात करते हैं तो सन 2000 में इसने 2400% के रिटर्न दिया है, पिछले 20 साल में आपके पैसे को लगभग 25 गुना कर दिया है, मतलब हर साल आपके पैसे को डबल करते गया है ये। और ये स्टॉक भी देखिए अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब कि जो इसकी एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए वो भी और नीचे है यहाँ से, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का टाइम अभी नहीं है। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एनालिस्ट, देखिए 95% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आप इसमें एंट्री करो, अभी करेक्ट प्राइस चल रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा वेट करेंगे। और जैसा कि आप लोग चार्ट पर जाके देख सकते हैं बैंक निफ्टी का थोड़ा सा वहाँ पर करेक्शन और बाकी है, तो उसके बाद हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका भी रेवेन्यू कंटिन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, लेकिन पिछले साल इसका प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए इसमें। और जैसे ये इंट्रिंसिक वैल्यू के पास आता है या 280 रुपये के आसपास, आपको मैं एक्चुअल प्राइस बता दूँ, 280 रुपये के पास अगर मिलता है आपको ये स्टॉक ICICI बैंक तो इसमें बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट स्टॉक की बात हम लोग करेंगे जो कि हमारा है HDFC बैंक, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा HDFC बैंक और उसको मैं ओपन करूँगा। और ये स्टॉक देखिए 831 पर चल रहा है और ये स्टॉक हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक है और लार्ज कैप का स्टॉक है। और अगर हम लोग इसका मार्केट कैप देखते हैं तो 4,95,935 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और हम लोग अगर इसका वन वीक का चार्ट देखते हैं तो 2% की इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और वन मंथ में इसने 25% के नेगेटिव रिटर्न दिया है और एक साल की बात करते हैं तो हम 27% के नेगेटिव रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने, और पिछले पाँच साल की बात करते हैं तो 60% की इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम हम इसका देखते हैं सन 2000 से, तो सन 2000 से इस स्टॉक ने 4,948% के रिटर्न दिया है, लगभग 5,000 हम लोग इसको पकड़ सकते हैं, तो पिछले 20 साल में अगर हम लोग देखते हैं तो इसने 5,000% के रिटर्न हमें दिया है लॉन्ग टाइम में। तो अगर इसका भी इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे रेड कलर में दिखा रहा है, तो जो इसकी एक्चुअल प्राइस है वहाँ से थोड़ा सा ये स्टॉक महंगा मिल रहा है। और हम लोग यहाँ पर एनालिस्ट का थोड़ा सा परसेंटेज देखते हैं तो 91% एनालिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि अभी आप इसमें एंट्री कर सकते हो। और इसका भी हम लोग देखते हैं तो रेवेन्यू और प्रॉफिट कंटिन्यू ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, तो कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो
हमारे भारत की सबसे बड़ा बैंक है ये, काफ़ी स्टेबल कंपनी है, तो इसमें लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम है। तो ये चारों बैंकों में अगर आप अपने पैसे को लगाना चाहते हैं, और बाकी छोटे बैंकों के चक्कर में मत पड़िए कि कोई भी ऐसा छोटा मोटा 50 रुपये 40 रुपये वाला या 20 रुपये वाला या 100 रुपये वाला स्टॉक आपको मिलता है तो उसमें एंट्री करिए। तो अगर आप अपने पैसे की सेफ्टी चाहते हैं, अगर हेल्थी चाहते हैं उसको, तो आप बड़े बैंकों में अपने पैसे को लगाइए, और यहाँ से मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगी सबसे जल्दी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो नॉलेजफुल लगी आपको तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।